हेलो गाइस, मैं गजेंद्र कौशिक अव्यान IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं एक टॉपिक जो समुद्र विज्ञान से ही जुड़ा हुआ समझें इसे और जुड़ा ही है। इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे आज, एक होती हैं जल संधियां यानी कि वाटर स्टेट्स, और एक होते हैं इस्थमस। जिन्हें भूडमरू मध्य भी कह देते हैं। होते क्या हैं दोनों को पहले हम समझते हैं। देखिए, जल संधियां, संधियां मतलब जैसे गांठ, ऐसा कुछ समझ लेंगे। तो दो तरफ का जल यदि ऐसा हो कि स्थलीय भाग यानी कि लैंड पोर्शन करीब आ जाए, तो दो तरफ का जल एक दूसरे से जहां जुड़ेगा उस भाग को हम जल संधि कहेंगे। ये मैंने अलग अलग कलर बस इसलिए कर दिया कि दो तरफ का जल में दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, जल संधि बनेगी, इधर का जल इधर वाले जल से एक नैरो पार्ट पर, सकरे भाग पर जुड़ गया है, तो ये होगी जल संधि। लेकिन इस्थमस की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, जब दो स्थलीय भाग एक दूसरे से, एक लैंड पोर्शन ये है, एक लैंड पोर्शन ये है, किसी सकरे भाग में जुड़ रहे हो, या ये सकरे भाग में जुड़ा हुआ स्थलीय भाग दो तरफ के जलीय भाग को अलग कर रहा हो। देखिए, दोनों बातों को ध्यान रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक में दो तरफ का जल एक दूसरे से जुड़ रहा है, या स्थलीय भाग किसी नैरो पॉइंट पर, सकरे भाग पर एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। लेकिन इस्थमस में क्या होगा कि जब दो स्थलीय भाग एक दूसरे से किसी नैरो पॉइंट पर जुड़ रहे हों, अथवा इस नैरो पॉइंट पर दो तरफ का जल एक दूसरे से अलग हो रहा है, इसे कहेंगे इस्थमस। इन दोनों को, इनकी संख्या बहुत कम है इस्थमस की, वाटर स्टेट्स की ज़्यादा है, ये मैच करने के लिए आ जाती हैं, एग्जाम में पूछते रहते हैं बीच बीच में। बहुत आसान टॉपिक है, बस आपको थोड़ा सा मैप आना चाहिए। तो मैप हम यहाँ बनाएंगे, और आज मैं मैप को एक साथ नहीं बनाऊंगा, बल्कि जितने की ज़रूरत है उतना बनाते रहेंगे, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे जिससे कि आप लोगों को दिखता रहे। तो हम ये इधर शुरू कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका में ये भाग आप देखे हुए ही हैं, ये एक रफली मैप आपका नॉर्थ अमेरिका का हो गया। ये यहाँ पर छोटा सा देश है क्यूबा, इधर हम देखते हैं तो ये है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के पास में ही, देखिए आपको इसी तरह से समझना है पूरे को, तभी याद होगा। ये है रफली बैफिन द्वीप, मैं इधर लिख दे रहा हूँ बैफिन द्वीप। तो हमें यहाँ जानना क्या है, कौन सी जल संधि है। तो ये पोर्शन यहाँ जो वाटर है बैफिन द्वीप के पास में यानी कि ग्रीनलैंड की तरफ, इसका नाम है
बैफिन की खाड़ी। और इधर हम पूरे को देखते हैं, जब ये सबका सब अटलांटिक महासागर है। क्या है? अटलांटिक ओशियन महासागर। तो यहाँ वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ दो तरफ का वाटर एक दूसरे से नैरो पॉइंट पर मिल गया है। तो स्ट्रेट का नाम यहाँ जलसंधि का नाम होगा डेविस स्ट्रेट। देखिए मैंने लिख यहाँ दिया है लेकिन लोकेट मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो डेविस स्ट्रेट किसे किसे जोड़ती है, कौन कौन से जल को जोड़ती है? तो बैफिन के खाड़ी के जल को और अटलांटिक महासागर के जल को जोड़ती है। और ये भाग नैरो हो गया। तो है कहाँ पर? क्योंकि ये भाग कनाडा वाला है, इधर तो भले ही अलास्का है जो यूएसए का है, लेकिन ये सारा भाग कनाडा का है, ये सारे आइलैंड्स भी कनाडा के ही हैं। तो लोकेशन पूछ लेते हैं कभी कभी, है कहाँ, अवस्थिति कहाँ है? तो कनाडा में है। किसे किसे जोड़ती है? बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। दूसरी देखते हैं, ये है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी, तो जलीय भाग तो जो इधर है वो भी यहाँ तक भी पहुँच गया है। हडसन की खाड़ी में यहाँ जो भाग होगा ये नैरो होगा और एक जलसंधि यहाँ बन जाएगी। मैं नाम इधर लिख दे रहा हूँ, ये भी होगी हडसन जलसंधि। इसमें फिर से कौन से पानी एक दूसरे से जुड़े हैं? हडसन की खाड़ी वाला पानी अटलांटिक महासागर वाले पानी से जुड़ जाएगा और हडसन की खाड़ी के नाम पर ही नाम इसका हडसन जलसंधि होगा। अवस्थिति यानी कि लोकेशन कहाँ है? फिर से कनाडा में है। अब हम देखिए और नीचे की तरफ आते हैं, और आप लोग भी ऐसे ही मैप पर ही याद रखेंगे, उससे ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये है क्यूबा और ये भाग आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये भाग है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा किसकी एक स्टेट है? यूएसए की। तो फ्लोरिडा के नाम पर जल संधि का नाम रखा गया है और ये यहाँ पर क्यूबा और फ्लोरिडा वाले बीच वाले नैरो भाग में दो तरफ का पानी जुड़ रहा है। कौन कौन सा? फिर से देखेंगे, एक तो अटलांटिक महासागर है ही पूरा, तो अटलांटिक का पानी, और ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। तो ये दोनों कनेक्ट हो गए, जुड़ गए। तो जल संधि का नाम क्या है? फ्लोरिडा जल संधि, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, फ्लोरिडा वाटर स्ट्रेट। कहाँ पर है? क्योंकि देखिए हम क्यूबा अगर बोल रहे हैं तो ये कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो कंट्री की कंट्री से कंपेयर करें तो क्यूबा और यूएसए के बीच में है। लेकिन आपको अगर और भी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है तो क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में है, फ्लोरिडा नाम से ही है जलसंधि, और पानी कनेक्ट होता है गल्फ ऑफ मैक्सिको या मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर का। अब हम इसके नीचे चलते हैं, इधर ये अटलांटिक का ही भाग है और ये पानी है कैरेबियन सी वाला, कैरेबियन सी वाला पानी। और
फिर से क्यूबा और इधर है ये युकाटन। तो यहाँ पर फिर से एक जल संधि जैसी बन रही है जिसे कहते हैं युकाटन चैनल। तो वो युकाटन चैनल किसे जोड़ता है? गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सागर से। लेकिन है कहाँ ये मैक्सिको देश? अब देख रहे होंगे, मार्कर घुमा रहा हूँ यहाँ तक, मैक्सिको देश और क्यूबा के बीच में। यहाँ तक का हमारा ये पूरा होता है इधर। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को बना लेते हैं यहीं। ये देखिए वहाँ तक शायद वीडियो में ना दिखे, लेकिन ये हम साउथ अमेरिका रफली बना लिए। हमें देखना ये भाग, ये भाग का मतलब है यहाँ तक ये पनामा देश है। पनामा देश में जब ज्योग्राफर हम्बोल्ट ने यात्रा की तो उन्होंने यहाँ देख करके बताया, देखिए उस टाइम कठिन काम था ये कि ऐसी जगहों पर घूमना खतरनाक भी होता था और आज की तरह से इमेजेस नहीं मिलती थी उस टाइम पर कि पता चल जाए कि कहाँ नैरो पार्ट है कहाँ नहीं है। तो उन्होंने यहाँ घूम करके देख करके बताया कि ये पतला भाग है जो लैंड पोर्शन यहाँ तक जुड़ा हुआ है नॉर्थ अमेरिका की तरफ से साउथ अमेरिका तक, ये पतला भाग है। तो मैंने अभी बताया था इस्थमस के बारे में कि जब दो तरफ के स्थल पतले भाग में एक दूसरे से मिल रहे होते हैं तो भूडमरू मध्य बनता है। तो अब यहाँ के लिए खास बात क्या है कि अगर यहाँ पनामा में ड्रिल कर दिया जाए तो एक कैनाल बन जाएगी, यानी कि पनामा नहर बन जाएगी। पनामा नहर बनाने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए पहले शिप अगर यहाँ से यहाँ आना है कैलिफोर्निया तक तो कैसे लाना होता था? ऐसे घूम करके लाते थे, बहुत लंबा चक्कर होता था वो। इधर इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ आइस बहुत ज़्यादा रहती है और आइलैंड है बीच बीच में। तो यहाँ ड्रिल कर दिया तो बन गई एक नहर और इस नहर का नाम पनामा रखा गया। तो ये पनामा नहर किसे किसे जोड़ रही है? इधर कैरेबियन सी को। कैरेबियन सी किसका भाग है? देखिए यहाँ कैसे भी घुमा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप पूरे को देख लें, मैं पूरे को क्लियर कर दे रहा हूँ। कैरेबियन सी एक छोटा भाग या नाम दे दिया गया है लेकिन पानी है अटलांटिक महासागर का ही। तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है पनामा नहर। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, कैरेबियन सी को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है पनामा नहर। और तीसरी बात, अगर पेपर बनाने वाले के दिमाग में आ जाए तो ये भी पूछा जा सकता है, ये है 0 डिग्री, तो इधर वाला होगा उत्तरी प्रशांत और इधर वाला भी उत्तरी अटलांटिक। तो ऐसे ना बदल दे कि उत्तरी अटलांटिक को दक्षिणी प्रशांत से इस तरह से डिस्टर्ब ना कर दे। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ रही है। तो ये सारे सवाल इस तरह से आपके हो जाएंगे। अगर हम यहाँ नीचे, अगर वीडियो में नहीं दिख रहा है तो ये समझें कि चिली सब लोग पहचानते हैं, चिली के नीचे वाले पॉइंट पर चले जाएंगे, एक जलसंधि यहाँ है यानी कि साउथ अमेरिका के ठीक नीचे, इसका नाम है मैगेलन। मैगेलन जलसंधि, मैं यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ, मैगेलन वाटर स्ट्रेट। इससे जुड़ता है अटलांटिक महासागर
प्रशांत महासागर, कहाँ हैं? मैगेलन जल संधि, ये है चिली में। तो ये इधर वाली जल संधियाँ आपकी हो रही हैं। अब हम चलेंगे यूरोप की तरफ। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके लिए फिर से भी उसी को रिपीट कर सकते हैं या उस पर जो आपकी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और हम अब लेंगे यूरोप को। यूरोप के भी मैप को देखें, ये आज मैंने काफ़ी बड़ा मैप बनाया है। यहाँ पर ये हमने यूके ले लिया, और इधर ये इटली वाला पोर्शन, और फिर मैप अब ऐसे चलेगा आगे। देखिए ये यहाँ पर स्पेन है, ये इटली है, इटली के ऊपर ही छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड है, और यहीं से ये इधर फ्रांस है। तो फ्रांस और यूके के बीच में, यानी कि यहाँ पर ये है इंग्लिश चैनल। क्या है? इंग्लिश चैनल। और यूके के अगर ईस्ट में हम देखें जो वाटर है, इसका नाम है नॉर्थ सी। तो यहाँ पर फिर देखेंगे कि दो तरफ का पानी यूके और फ्रांस के बीच में कनेक्ट हो रहा है, और इस जल संधि का नाम मैं लिख दे रहा हूं इधर, डोवर स्टेट, डोवर जल संधि। कहाँ है? यूके और फ्रांस के बीच में। किसे जोड़ती है? उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को। अब हम थोड़ा इधर भी देखें, ये पूरा मैप बनाएंगे नहीं हम, ज़रूरत नहीं है। ये है अफ्रीका, इधर ये अफ्रीका का देश है मोरक्को। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये पानी भरा हुआ है ये है भूमध्य सागर, और इधर वाला पानी जो हम अभी देख रहे थे ये है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर फिर से यहाँ एक दूसरे से जुड़ रहे हैं ये पानी। तो जल संधि फिर से बनेगी जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर स्ट्रेट। बहुत बार की पूछी हुई है। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट कहाँ पर है, किसे कनेक्ट करती है, किसे जोड़ती है? तो जोड़ती है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। किसके बीच में है? तो कंट्री की अगर हम बात करते हैं, स्पेन और मोरक्को के बीच में है। और अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच में हैं, इन दो द्वीप महाद्वीपों के बीच में हैं। अब हम इसके बाद मैप को और आगे बढ़ा रहे हैं। ये यहाँ पर
ये है टर्की, क्या है टर्की, और ये यूरोपियन टर्की, और बीच में ये है काला सागर ब्लैक सी, और ब्लैक सी के बाद अगर हम इधर की तरफ चल रहे होते हैं तो ये है मरमरा सी, मरमरा सागर। इसके और आगे हम देखते हैं तो यहाँ पानी आ जाता है एजियन सागर का, मैं नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ एजियन सागर। देखिए ये जल संधियाँ यहाँ की जो दो हम बता रहे हैं, पूछी हुई तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो नहीं पूछी गई हैं ये गारंटी नहीं होती ना कि ये कभी पूछी नहीं जाएंगी, पूछी जा सकती हैं, इसलिए इन्हें भी ज़रूर तैयार करें। टर्की लोकेशन कहाँ है, टर्की में। पानी कौन कौन से कनेक्ट हो रहे हैं, ब्लैक सी और मरमरा सी। तो जल संधि का नाम है बॉस्पोरस स्ट्रेट, ध्यान रखेंगे जल संधि का नाम बॉस्पोरस स्ट्रेट है, किसे जोड़ती है, ब्लैक सी और मरमरा सी, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, कहाँ है टर्की में। दूसरी जल संधि और देखेंगे यहाँ, फिर से मरमरा सी और एजियन सागर जुड़ रहे हैं, तो यहाँ जो जल संधि बनेगी जो मरमरा सी और एजियन सागर को जोड़ रहे हैं, इसका नाम मैं इधर लिख दे रहा हूँ, फिर ये होगी डार्डनलीज वाटर स्ट्रेट। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको कि डार्डनलीज बॉस्पोरस, नाम तो याद कर लेंगे, तुर्की में है ये भी याद कर लेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में ये याद नहीं आता कि ये इधर वाली बॉस्पोरस है कि इधर वाली है। तो ऐसे कुछ याद कर लेंगे कि बॉस्पोरस जल संधि वो है जिसमें ब्लैक सी कनेक्ट हो रहा है, तो बी से ब्लैक और बी से बॉस्पोरस, यानी कि ब्लैक सी के तरफ वाली जो जल संधि है उसका नाम है बॉस्पोरस, और शेष जो आगे बची ये है डार्डनलीज। मैं समझता हूँ कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसे तैयार करें, शेष जो जल संधियाँ हैं इसे हम फिर बना रहे हैं, देखिए यहाँ तक कि आप लोग तैयार कर लें, ठीक है, पढ़ते रहिए और जो भी दिक्कत हो बताते रहिए, थैंक यू।